झूठ कांग्रेस के भी चुनाव लड़े प्रेसिडेंट बने। हरियाणा में दिव्यांशु बुजराजा को छोड़कर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है किसी भी पार्टी में जो 1,00,000 युवाओं की टीम लेकर चलता हो। देखिए, तिकोना मुकाबला तो नहीं बनेगा, आखिर में आकर ये द्विकोणीय ही रह जाएगा, क्योंकि करनाल नहीं पूरे देश में ही जो वोट है वो दो ही भागों में बट रहा है, मोदी वर्सेस एंटी मोदी। अब कांग्रेस मुकाबले में आ गई है क्योंकि वहाँ एनसीपी के जो प्रत्याशी हैं मराठा वीरेंद्र जी अच्छे खासे वोट ले रहे हैं, और जिस दिन रिजल्ट आए यदि उनके नीलोखेड़ी में सर्वाधिक वोट आए तो ताजुब मत। यहाँ से अधिकतर ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं, यहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी चुनाव लड़े जी, और एक बार वो चुनाव हारे भी। अच्छा, करनाल लोकसभा से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे करनाल लोकसभा की, जहां से दो बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं। ये मनोहर लाल खट्टर का पहला लोकसभा चुनाव है, इससे पहले दो बार मनोहर लाल जी विधायक रह चुके हैं करनाल असेंबली सेगमेंट से। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के लिए वीरेंद्र मराठा भी हैं। करनाल लोकसभा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करनाल लोकसभा में अभी उपचुनाव होना है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने करनाल असेंबली सेगमेंट से रिज़ाइन दिया और नायाब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उन्होंने इस सीट से चुनाव नॉमिनेशन भराए बाय पोल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे और असेंबली सेगमेंट में त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। करनाल लोकसभा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार की जो धुरी है वो यहाँ से पिछले 9.5 साल चली है, और अभी के जो मुख्यमंत्री है उनको भी चुनाव जो जीतना है उस सीट पर बने रहने के लिए, वो भी करनाल असेंबली सेगमेंट है। तो आज हम करनाल लोकसभा की बातचीत करेंगे, चर्चा करने के लिए दोबारा से हाजिर हैं मेरे साथी जोगिंदर कथुरिया जी। शुरू करते हैं करनाल लोकसभा की आज चर्चा। सूर्य साहब, आपका स्वागत है, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जो हॉट सीट है करनाल, वो शायद एक ऐसी लोकसभा है 10 में से जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, जैसे कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला बना है उसी तरीके से करनाल में भी त्रिकोणीय मुकाबला, आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, तिकोना मुकाबला तो नहीं बनेगा, आखिर में आकर ये द्विकोणीय ही रह जाएगा, क्योंकि करनाल नहीं पूरे देश में ही जो वोट है वो दो ही भागों में बट रहा है, मोदी वर्सेस एंटी मोदी। एंटी जो मोदी वोट है वो मराठा वीरेंद्र जो एनसीपी और आईएनएलडी के संयुक्त प्रत्याशी है उनकी तरफ न जाकर दिव्यांशु बुजराजा की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले मैं एक बार करनाल लोकसभा के बारे में बता दूं, यहाँ से अधिकतर ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं, यहाँ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी चुनाव लड़े जी, और एक बार वो चुनाव हारे भी। अच्छा, करनाल लोकसभा से। आज की परिस्थिति में यहाँ 21,00,000 के करीब मतदाता हैं, सर्वाधिक पंजाबी मतदाताओं की तादाद है, 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। यदि मैं जातिगत आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ 55% जनरल मतदाता हैं और 25% के करीब ओबीसी मतदाता हैं, लगभग 20% एससी कैटेगरी के मतदाता हैं। यदि मैं जाति वाइज बात करूं तो जनरल कैटेगरी में सर्वाधिक 12% के करीब पंजाबी मतदाता हैं, 11.5% यहाँ जाट मतदाता हैं, या 9% ब्राह्मण मतदाता हैं, 6.5% यहाँ रोड मतदाता हैं, यहाँ 5% के करीब जट सिख मतदाता हैं, यहाँ 4% के करीब वैश्य समाज बनिया मतदाता हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर
5% के करीब कश्यप समाज के वोट्स हैं, 3.5% गुर्जर समाज के, 2.6% सैनी समाज के और 1.9% कंबोज समाज के वोट हैं। यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो 9% यहाँ रविदास या समाज के वोट हैं और 6% वाल्मीकि समाज के वोट हैं। अब जो आज का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ दिव्यांशु विग्राजा जिसको भाजपा ने लाइट कैंडिडेट माना, ये मुकाबला उस तरह का बन गया जिस तरह जब शुरुआत में अरविंद कुमार शर्मा पिछली बार 2019 में रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो हुड्डा परिवार ने बहुत ही आसान कैंडिडेट माना था और उसका परिणाम जब रिजल्ट्स आए तो भुगतना पड़ा था। ऐसे ही यदि भाजपा दिव्यांशु बुद्धराजा को लाइट कैंडिडेट मानकर चलेगी और चुनाव लड़ेगी तो गच्चा खा जाएंगे। दिव्यांशु बुद्धराजा आज से पहले 3 मुख्य चुनाव लड़े हैं और तीनों में ही फतेह हासिल किया है। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद NSUI जो कांग्रेस का छात्र संघ है उसके प्रेसिडेंट बने प्रदेश के, अब यूथ कांग्रेस के भी चुनाव लड़ गए प्रेसिडेंट बने। हरियाणा में दिव्यांशु बुद्धराजा को छोड़कर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है किसी भी पार्टी में जो 1,00,000 युवाओं की टीम लेकर चलता हो, जिसे 1,00,000 युवाओं को दिव्यांशु बुद्धराजा बाई नेम बाई फेस जानते हैं। मैंने उनकी वर्किंग देखी है, उन्होंने पीछे राहुल गांधी के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था पंचायत, तो उन्होंने वो प्रोग्राम्स भी अरेंज करवाए बहुत अच्छे से, जो काम उन्हें मिलता है वो बहुत अच्छे से करते हैं। जो अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि 2019 में जिस तरह से अरविंद शर्मा BJP के कैंडिडेट बन के आए और दूसरी तरफ हुड्डा परिवार ने उनको लाइटली लिया क्योंकि हुड्डा परिवार उत्तरा व मुख्यमंत्री था, उसी प्रकार अब मनोहरलाल खट्टर भी उत्तरे के मुख्यमंत्री है, हालांकि उनकी पार्टी की सरकार है लेकिन वो खुद अब मुख्यमंत्री नहीं है। बड़ा फर्क हो जाता है, नमस्ते करने वालों की भी भीड़ कम हो जाती है क्योंकि अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस आपका सरकार में नहीं होता है। अगर आपको भी कोई काम करना है, किसी का करवाना है, तो आपको बकायदा किसी और से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हालांकि मनोहरलाल खट्टर अब भी कुछ लोग उनको सुपर CM भी कहते हैं, लेकिन इस बात में बड़ा फर्क है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, अब आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हरियाणा के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को वही संभाल रहे हैं, लेकिन इस बात का फर्क है कि आप कुर्सी पर हैं या कुर्सी पर नहीं हैं। देखिए बिल्कुल, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, करनाल एक ऐसी लोकसभा होगी, बाकी जितनी भी लोकसभाएं होंगी उनके जब परिणाम आएंगे आप देख लेना, कांग्रेस और भाजपा में 90% वोट बटेगा, 90% से अधिक वोट बटेगा, बाकी सभी पार्टियां 10% से कम में सिमट जाएं। मुझे लगता है कि करनाल लोकसभा में 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके बीच 85% से 86% वोट बटेगा, 15% वोट अन्य प्रत्याशी। वीरेंद्र मराठा को आप क्या देख रहे हैं, मुकाबला नहीं बना पाएंगे? देखो मुकाबले में नहीं आ पाएंगे परंतु अच्छे खासे वोट, लगभग जो मुझे लग रहा है कि वो 1,40,000 के करीब आज की डेट में पोजीशन में मत प्राप्त कर जी। अब आपने ये कहा कि वो इतना वोट, मैं उससे पहले आपसे असेंबली सेगमेंट वाइज पूछूंगा, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 9 विधानसभाएं करनाल लोकसभा में आती हैं उनमें से 5 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर BJP के विधायक हैं और 3 ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं और 1 ऐसी है जहां पर इंडिपेंडेंट निर्दलीय है और वो निर्दलीय जो है अभी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं 5 और 4 का जो रेशियो है वो बन रहा है। वहां से कौन विधायक है एक बार आपकी यादगार के लिए बता दो। नीलो खेड़ी से
धर्मपाल गोंदर जिन्होंने अभी हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया है, बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। इंद्र से राम कुमार कश्यप भाजपा के विधायक हैं। करनाल से हमें पता ही है खट्टर साहब थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया है बीजेपी। गरोंडा से हरविंदर कल्याण बीजेपी। असन से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस। पानीपत रूरल से महिपाल डांडा बीजेपी। पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज बीजेपी। इसराना से बलबीर सिंह कांग्रेस। और समालखा से धर्म सिंह छोकर जो कि कांग्रेस है, पिछले दिनों उनके ऊपर रेड भी पड़ी थी। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि नीलोखेड़ी में कौन कितनी वोट ले रहा है? देखो नीलोखेड़ी में अब मुकाबला तिकोना हो गया है। नीलोखेड़ी में जो जीत हार का मार्जिन है वो अंडर 10,000 रहेगा। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस मुकाबले में आ गई है क्योंकि वहाँ NCP के जो प्रत्याशी हैं मराठा वीरेंद्र जी अच्छे खासे वोट ले रहे हैं। और जिस दिन रिजल्ट आए यदि उनके नीलोखेड़ी में सर्वाधिक वोट आए तो ताजुब मत। तो गोंदर साहब इधर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस को? कांग्रेस के वोट बैंक काफी बड़ा है, उनका जो पर्सनल व्यक्तिगत वोट था वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हुआ है। और जो वहाँ का माहौल है वो भी एंटी इनकम्बेंसी है मनोहर लाल खट्टर के प्रति। वो 10 साल करनाल की राजनीति करते रहे परंतु वहाँ के लोगों के काम नहीं हुए, इसलिए लोगों में इंद्री में OBC कैटेगरी का बहुत ज़्यादा वोट है। वैसे कांग्रेस की पुरानी सीट रही है परंतु मुझे लगता है कि एज भाजपा के पक्ष में रहेगा। करनाल से तो करनाल से मनोहर लाल को एज मिलना स्वाभाविक दिख रहा है, पर जो जीत का मार्जिन है पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था अच्छे खासे वोटों से जीते थे, इस बार उतने वोट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 के करीब करीब उनकी लीड अटक जाएगी। करनाल घरौंडा में भी बिल्कुल नीलोखेड़ी वाली स्थिति हो रही है। घरौंडा में NCP के जो प्रत्याशी हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा, उनको अच्छे खासे वोट प्राप्त हो रहे हैं। और वो उनका जो सीधा सीधा नुकसान है मनोहर लाल खट्टर को हो रहा है क्योंकि जो पिछले 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं यहाँ पर रोड बिरादरी का अधिकतर वोट भाजपा की तरफ जाता रहा है, इस बार वो भाजपा से खिसक रहा है तो इससे भाजपा को नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है लिटिल बिट एज पर भाजपा ही है परंतु नुकसान असंद में रोचक मुकाबला है। असंद में आज दिव्यांशु बुधराजा आगे निकल गए हैं मनोहर लाल खट्टर से क्योंकि रोड बिरादरी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, वो NCP के प्रत्याशी को जा रहा है। वो अपनी जाति के प्रत्याशी अपने कैटेगरी के प्रत्याशी के कारण मराठा वीरेंद्र को जा रहा है और जाट मतदाता मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल एंटी हो रखा है। पंजाबियों में बंटवारा हो रहा है और भी जो एंटी इनकमेंसी के कारण यहाँ मनोहर लाल खट्टर पिछड़ रहे हैं दिव्यांशु बुधराजा। पानीपत रूरल में भी आज की परिस्थिति में दिव्यांशु बुधराजा मनोहर लाल खट्टर से आगे निकल गए। पानीपत सिटी में एज मनोहर लाल को रहेगा। मनोहर लाल अगर 9 विधानसभाएं आती हैं सबसे बड़े मार्जिन से अगर कहीं से जीतेंगे तो पानीपत सिटी होगी। इसराना रिजर्व में यहाँ कांग्रेस के स्थानीय MLA भी हैं बलबीर सिंह वाल्मीकि, उनका भी प्रभाव है और यहाँ पर जो जाट मतदाताओं की तादाद है अच्छी खासी है। मुझे इसराना में कांग्रेस के दिव्यांशु बुधराजा लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। समालखा में नेक टू नेक फाइट है पर लिटिल बिट एज आज की परिस्थिति में दिव्यांशु बुधराजा को ही है। मार्जिन इतना नहीं होगा, अंडर 5,000 मार्जिन रहेगा समालखा में। मुझे लगता है जो पानीपत ग्रामीण इसराना और असंध इन 3 विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। करनाल घरौंडा और पानीपत शहरी यहाँ पर BJP के प्रत्याशी मनोहर लाल जीत रहे हैं। समालखा नीलोखेड़ी और एक विधानसभा कौन सी रह गई घरौंडा में तो BJP नीलोखेड़ी इंद्री करनाल इंद्री इंद्री में भी मनोहर लाल जीत जाएंगे बहुत इजीली। बाकी जो ये 2 विधानसभाएं हैं इनमें नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। जी,
तो पिछली बार संजय भाटिया करीब 6.5 लाख वोटों से जीते थे और शायद देश में सबसे सर्वाधिक वोटों से संजय भाटिया ने जीत दर्ज की थी। इस बार आप जीत का मार्जिन कितना देख रहे हो? देखो, जिस दिन मनोहर लाल को टिकट मिली थी और सामने कोई प्रत्याशी अभी मैदान में नहीं था, उस दिन मनोहर लाल की जो जीत का मार्जिन 4 लाख था, वो आज घटता घटता 1.25 लाख पर आ गया है। अगर चुनाव इस तरह ही चलता रहा तो कहीं अप्रत्याशित परिणाम जो रोहतक लोकसभा में 2019 में देखने को मिले थे, चुनाव इतना नजदीकी भी हो सकता है। वीरेंद्र मराठा जितने भी वोट ले रहा है वो नुकसान किसको कर रहा है? ज्यादा भाजपा को कर रहा है, कम कांग्रेस को कर रहा है। और वैसे वीरेंद्र मराठा कितना बढ़िया कैंडिडेट है इस चुनाव में? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। देखो, यहाँ अगर INLD अपना प्रत्याशी उतारती तो ज़्यादा वोट नहीं प्राप्त कर पाते। उन्होंने रणनीति अपनाई, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में रोड बिरादरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, यहाँ पर मराठा वीरेंद्र को समर्थन देकर वहाँ से उसका वोट बैंक रोड बिरादरी का लेने की अच्छी रणनीति थी अभय सिंह चौटाला की। अभी देखो, INLD का वोट भी यहाँ मराठा वीरेंद्र को डल रहा है, इसलिए 1,40,000 के, मुझे लगता है कहीं अभय सिंह चौटाला से भी ज़्यादा मराठा वीरेंद्र के वोट। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले दिनों जब दिव्यांशु बुद्धिराजा की टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद उनको बहुत लीगल ट्रबल्स हुए, उनको कोर्टों के चक्कर काटने पड़े, कभी उनको भगोड़ा घोषित किया गया, फाइनली हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो टिकट मिलने के बाद एकदम से ये कुछ हुआ, तो लोग भी उसको ऑब्जर्व तो कर ही रहे थे, देख तो रहे थे, तो उससे उनके प्रति सिंपैथी हुई है या उनके प्रति एंटी माहौल हुआ है? सिंपैथी हुई है, इसका फ़ायदा दिव्यांशु गुजराजा को चुनाव वाले दिन जरूर मिलेगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, करनाल विधानसभा की चर्चा करना भूल गए हैं। करनाल जो शहरी सीट है, मैं एक बार उसकी जातिगत आंकड़ा भी बता देता हूँ और वहाँ की स्थिति भी आपको अवगत करवा देता हूँ, आज की स्थिति क्या है। करनाल विधानसभा में लगभग 2,58,000 के करीब वोट्स हैं। मुख्य मुकाबला नायाब सिंह सैनी और त्रिलोचन सिंह के बीच में रहेगा। यदि मैं बात करूँ तो 63,262 वोट यहाँ पंजाबी जाति के हैं, 21,834 वोट यहाँ पर वैश्य समाज बनिया कैटेगरी के हैं, 19,000 रविदासिया, 18,000 ब्राह्मण, 11,000 जाट, 11,000 के करीब जट सिख, 13,000 के करीब रोड, 11,000 के करीब वाल्मीकि, 9,000 के करीब राजपूत, 9,000 के करीब कश्यप, 6,500 के करीब गडेरिया समाज के वोट हैं, 5,800 जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खुद की जाती है, सैनी समाज के वोट हैं, गुर्जर समाज के 5,000 और कंबोज समाज के 5,300 के करीब वोट हैं। यदि आज की परिस्थिति की बात करें तो त्रिलोचन सिंह अच्छे वोट्स यहाँ ले पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि त्रिलोचन सिंह यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अप्रोक्स 55,000 के करीब आज की परिस्थिति में वो वोट ले पा रहे हैं। यदि नायाब सिंह सैनी की बात करें, एज पर तो हैं, यदि पंजाबी जट सिख और जाट कैटेगरी को अपनी तरफ लामबंद कर पाए त्रिलोचन सिंह, तो यहाँ पर नायाब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। नायाब सिंह सैनी आज की स्थिति में एज पर हैं, जीत रहे हैं, परंतु जो मार्जिन है एक मुख्यमंत्री का उपचुनाव में, सरकार का उपचुनाव है, वो कहीं दिखाई नहीं। शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरीके से प्रदेश में जो माहौल हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जो एक माहौल बन रहा है, अभी 3 जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी अपना समर्थन दिया, हालांकि एक चौथा भी ज्वाइन करने वाला था लेकिन उसमें लास्ट टाइम में शायद उन्होंने स्टेप बैक कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है, अगर जो जीत का मार्जिन लोकसभा में 50,000 से नीचे रहता है, मनोहर लाल खट्टर जीत भी जाते हैं, तो उपचुनाव कितना मुश्किल होगा? देखो, मैं जो करनाल का जो उपचुनाव है, करनाल का जो लोकसभा चुनाव है, उसको महाभारत के चक्रव्यूह की तरह मानता हूँ। यहाँ पर दिव्यांशु बुधराजा जी अभिमन्यु हैं, उन्हें हराने के लिए भाजपा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, स्वयं मनोहर लाल जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं,
उन्हें भी अपना पूरा बल कौशल लगाना पड़ रहा है, फिर भी दिव्यांशु बुद्धि राजा अभी तक उनके काबू आ नहीं रहे हैं। इसके लिए साम दाम दंड भेद लगाकर उन्हें हर तरह की नीति अपनाकर, यदि आपने कभी महाभारत का वो दृश्य देखा हो, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे थे तो बाहर पांडवों ने उसकी सपोर्ट करने के लिए साथ साथ थे, परंतु वो चक्रव्यूह में उनके साथ घुस नहीं पाए थे, उसकी सपोर्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ पर यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, शमशेर सिंह गोगी हैं, धर्म सिंह छोकर हैं, बलबीर सिंह वाल्मीकि हैं, अब धर्मपाल गोंदर जी जिन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस का, ये सभी मिलकर सपोर्ट कर पाए तो इस बार अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की चर्चा करनाल लोकसभा की, और करनाल जो उपचुनाव होना है उसके बारे में। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा कि मैं कहता हूँ ये सिर्फ हमारा आकलन है, आप और भी कई जगह से चीज़ों को देखें और वहाँ से आप पता लगाने की कोशिश करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मतदान में भाग लें, क्योंकि अगर आप मतदान में भाग लेंगे वही रियल डेमोक्रेसी है। आप हमें बाकी कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। कतूरे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।